दोस्तों 2023 बजट आ चुका है और इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी थी और कुछ बातें रह गई, जिसमें जो विपक्ष है वो भी कई बातें कर रहा है। और अच्छी बात ये थी कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ाया है बजट, वो काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, 33%। तो हम लोग देखेंगे रेलवे की जो कंडीशन थी वो पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अच्छी करी है। उसमें 2.4 लाख करोड़ का जो आवंटन दिया है, बहुत अच्छा दिया है। कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया है और साथ में हम देखेंगे पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च करेंगे। एक दो चीज़ें ये थी कि महिला बचत जो योजना है उसको लाया गया, जो पहले छोटी बचत के लिए उतना ज़्यादा सरकार करती नहीं थी, लेकिन अब लाया गया है। और खिलौने, टीवी, मोबाइल थोड़े सस्ते होंगे। वरिष्ठ नागरिक जो बचत योजना है वो 15 से 30 लाख रुपए की हो गई है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर कृषि पीएम आवास का जो खर्च बढ़ाया गया है वो 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, एक जो बात थी कि मिडिल क्लास के लिए इसमें थोड़ा राहत कहेंगे, राहत उनके लिए जो न्यू टैक्स रिजाइम से भरते हैं टैक्स, तो उनको 7 लाख तक नील कर दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ATC की जो लिमिट थी उसको बढ़ाना चाहिए था, और साथ में इनको जो ओल्ड टैक्स रिजाइम जो भरते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। जबकि हमने लास्ट फाइनल ईयर देखा था कि सिर्फ 18 या 17% लोग ही नई तरीके से टैक्स भर रहे हैं। तो इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए था, और इन्वेस्टमेंट और करते लोग इसमें, इसलिए ATC की लिमिट को और बढ़ाना चाहिए था, जिससे लोगों को इन्वेस्टमेंट की जो आदत है वो और अच्छी लगे, जिसमें सरकार ने नहीं किया। एयरपोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एयरपोर्ट्स बनेंगे 50 के करीबन, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो दूर दूर की जगहें हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोग आधा आधा एक एक घंटे में अपनी जगह पहुंच पाएंगे। और जो इसमें मत्स्य संपदा है उसके लिए 6 करोड़ का निवेश किया गया है, और जो अर्बन इंफ्रा के लिए 10,000 करोड़ दिए जाएंगे इसमें, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है, और एग्री स्टार्टअप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टार्टअप हर चीज़ में खुल रहे हैं, चाय में, कॉफ़ी में, लेकिन एग्री में ज़्यादा नहीं है, इसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ये फैसला सरकार ने काफ़ी अच्छा लिया है। और इसमें 20 लाख के ऋण वितरण का लक्ष्य कृषि क्षेत्र, संघ पशुपालन, मात्स्यिकी और डेयरी उद्योग के लिए तय किया गया है। तो इसमें जो एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ऋण दिया जाएगा इसमें कम इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, पहले जो 9 पॉइंट कुछ होता था वो 8 पॉइंट कुछ पर दिया जाएगा, जो एक अच्छी बात है, और जो भी इसमें छोटा मोटा लोन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी बात होगी। और एक और अच्छी बात है कि जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श स्कूल इसमें खोले जाएंगे। 2.70 लाख करोड़ रुपये की धनराशि इस बजट में सड़क परिवहन के लिए आवंटन की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश का विकास और बढ़ेगा, जिसमें और पूंजी आएगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सड़क निर्माण एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, सड़क निर्माण होना चाहिए, घर घर तक सड़कें जानी चाहिए। और कई आपने दूर दूर पहाड़ों में गाँव देखे हैं जो जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है, तो सड़क के क्षेत्र में अच्छा कार्य करी है सरकार। मैं किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कमियां उन्होंने भी लाई हैं, कुछ अच्छाई उन्होंने भी की है, तो मिला जुला ये बजट है। 15,000 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए रखने का प्राविधान किया गया है, जो एक अच्छी बात है। निर्धन कैदियों को जमानत राशि देने में मदद की जाएगी, जो निर्धन गरीब जो कैदी होते हैं जेल में, उनको जो जमानत राशि होती है वो नहीं दी जाती, तो उनके लिए थोड़ी मदद सरकार द्वारा की जाएगी, जो एक अच्छी बात है। 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए इसमें दिए जाएंगे। अब इसमें जो एक बात थी, एक तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाए, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस मुझे नहीं दिखा। हालांकि कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, लेकिन किस तरीके से होगा ये नहीं बताया सरकार ने। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिडिल क्लास के लिए इसमें पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी गई है। हेल्थ में किस तरीके से कार्य होगा, क्योंकि हेल्थ एक सबसे ज़रूरी चीज़ है देश की, लोग किस तरीके से महंगा इलाज नहीं कर पाते हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। कि उनमें भले आयुष्मान स्कीम है, लेकिन कई लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, बहुत लाखों रुपए उसमें खर्चा आ जाता है, तो उसमें एक स्कीम कुछ कम EMI में सरकार ला सकती थी, जिसमें अधिक से अधिक इसमें इंश्योरेंस मिल जाए हेल्थ के प्रति।
एक और बात नहीं की गई जो मेरा पर्सनल व्यू है कि जनसंख्या नियंत्रण के उसमें बिल्कुल भी सरकार के द्वारा फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम बेरोजगारी के स्तर को देखें, कोई भी स्तर को देखें, एम्प्लॉयमेंट इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि जनसंख्या भारत की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आई थिंक चीन से भी ज़्यादा हो गई है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर एक बजट लाना चाहिए और उसको किस तरीके से नियंत्रण करना है ये सरकार को सोचना चाहिए। तो मिला जुला ये बजट था, कुछ बातों में अच्छे फैसले लिए गए, कुछ में नहीं लिए गए। दोस्तों आपको ये बजट कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट्स बताइएगा। बजट कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में सही नहीं है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।